हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 5। चैप्टर 5 हमारे पास क्या है? डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे हम कि डाटा हैंडलिंग क्या है। सबसे पहले हमारे पास आता है डाटा। डाटा हैंडलिंग का मीनिंग क्या है कि कोई भी आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है, उस डाटा को अरेंज करना, उस डाटा को मैनेजली हम जब अरेंज करते हैं या उसको हैंडल करना, उसको अच्छे से अरेंज करना, मैनेज करना, उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा हैंडलिंग। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है? डाटा। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एज न्यूमेरिकल फैक्ट्स अबाउट द ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स इज कॉल्ड डाटा। किसी भी चीज़ के बारे में हमारे पास एक कलेक्शन और इन्फॉर्मेशन, एक न्यूमेरिकल फैक्ट्स नंबर्स में, जैसे हमारे पास क्लास 6 में कितने बच्चे हैं, 7th में कितने बच्चे हैं, 8th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं और 9th में, 10th में, इसी तरह 6 से लेकर 12 तक के जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनका हम कलेक्शन कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, स्टूडेंट्स हमारे पास हैं तो उनका हम कलेक्शन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कलेक्शन कर रहे हैं कि 6th क्लास में 40 बच्चे हैं, 7th में 30 हैं, 8th में 40 हैं, 9th में 43 हैं, 10th में 42 हैं, 11th 12th ऐसे ही कर लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा इकट्ठा कर लिया जो हमने, उसी को हमने क्या बोला? डाटा। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एज न्यूमेरिकल फैक्ट्स। न्यूमेरिकल मीन्स नंबर में, अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में या किसी भी इवेंट के बारे में, उसी को हम क्या बोलते हैं? डाटा। उसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है डिस्क्रीट और सेकंड होता है कॉन्टीन्यूअस। डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस के बारे में आप एक्सरसाइज में पढ़ोगे, ठीक है, उसको ओपन करके बता रखा है आपको कि डिस्क्रीट डाटा कौन सा होता है और कॉन्टीन्यूअस डाटा कौन सा है हमारे पास। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ डाटा में हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक डिस्क्रीट होता है, एक कॉन्टीन्यूअस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स ईच स्कोर ऑक्यूर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ टाइम्स, कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स ईच स्कोर, जो स्कोर किया है, ऑक्यूर इज कॉल्ड, उसके बारे में जितने टाइम्स स्कोर किया है, ठीक है। कोई बच्चा किसी भी गेम में पार्टिसिपेट कर रखा है, किसी बच्चे ने, तो उसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर रहे हैं कि उसने 4 बार गोल्ड मेडल लेके आया है, ठीक है, एक दूसरा है या फिर 3 ऐसे कर लिए किसी बच्चे के, हम नोट कर रहे हैं गेम्स में कि गोल्ड मेडल कितने लेके आया, 4, सिल्वर मेडल कितने लेके आया है, 2 लेके आया है, और ब्रॉन्ज कितने लेके आया है, 5। तो ये हमारे पास क्या हो गया, उसकी अलग अलग कलेक्शन हो गई कि गोल्ड की कितनी है, 4, इसकी इतनी है, कितने टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स लेके आया, 4 टाइम्स ईच स्कोर ऑक्यूर इज कार्ड, जो हमारे पास किसी भी बच्चे का है, हर एक उसके लिए अलग अलग उसका हमें स्कोर निकालना, उसको हम क्या बोल देंगे? फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है रेंज। डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट एंड द लिस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। कोई भी डाटा आपको दे रखा है, उसमें सबसे जो बड़ी हमारे पास, जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है वो, और जो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है वो, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज। मान लिया हमारे पास से कोई भी डाटा दे रखा है 8, 6, ये दे रखा आपको डाटा, इसमें अगर हमें रेंज फाइंड करनी है तो हम रेंज कैसे निकालेंगे? सबसे जो बड़ा है वो क्या है? 12 है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे? 12 माइनस, सबसे छोटा हमारे पास क्या है? 2 है, -2, तो इसकी रेंज क्या आएगी हमारे पास से? 10। इसी तरह से हम क्या फाइंड करते हैं? रेंज, कि कोई भी आपको जो डाटा दे रखा है उसमें जो सबसे बड़ी, जो सबसे ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन है वो, माइनस सबसे छोटी जो ऑब्जर्वेशन है वो। उसके बाद है रिएलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिएलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम टू द सम ऑफ ऑल ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड रिएलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी होती है, कोई भी डाटा दे रखा है उसकी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जैसे मान लिया 0 से 10 फ्रीक्वेंसी है 5, 10 से 20 8 हो गया, 20 से 30 ये 9 हो गई, 30 से 40
ये 6 हो गई, ये दे रखा है आपको डाटा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इच ऑब्जेक्ट 0 से 10 है, उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे कि जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 5 है डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी, सभी का टोटल करो, 9 + 8 = 17, 17 + 6 = 9 + 8 = 17, 6 × 5 = 11, 17 + 11 = 28, तो 5/28, ये हमारे पास क्या हो जाएगी उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम, हर एक आइटम की फ्रीक्वेंसी टू द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, जो ऑल फ्रीक्वेंसीज हैं उन सभी के सम इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है क्लास साइज। अब क्लास साइज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास साइज। आपको कोई भी इंटरवल दिया हुआ है और उस इंटरवल की अपर एंड लोअर लिमिट, कोई भी एक इंटरवल उसकी अपर और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास साइज। जैसे हमारे पास ये दे रखा है, इसका क्लास साइज क्या, 0 से 10, ये हमारे पास क्या हो गई लोअर लिमिट, ये हो गई अपर लिमिट, इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा, तो हमारे पास क्लास साइज क्या होगा, 10। इधर भी 10 होगा, ये भी 10, ये भी 10, क्योंकि 20 में से 10 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, 30 में से 20 माइनस करेंगे वो भी 10, 40 में से 30 करेंगे वो भी 10, तो हमारे पास क्लास साइज कितना आ जाएगा इसका, 10। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। आपके पास मैंने बताया था क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 5, 8, 9, 6, ये है हमारे पास। अब हमें इससे क्या बताना है कि क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या बताते हैं, मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल है उसकी मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, अपर प्लस लोअर, कैसे करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अपर लिमिट हमारे पास क्या है, 10, प्लस लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, 0 और डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 5, सभी में वही आएगा, 20 + 30, 20 + 30 करेंगे क्या आ जाएगा, 10 + 20 करेंगे क्या आएगा, 30, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो ये क्या आया, 5 आया, इसका 15 आएगा, इसका 25, 35, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका क्लास मार्क। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। जो हमारे पास क्लास इंटरवल है 0 से 10 या 10 से 20, अब 10 से 20 इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 है हमारे पास, 20 से 30 की क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, 9, और 30 से 40 की क्या है, 6, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आता है हमारे पास बार ग्राफ। बार ग्राफ कैसा ग्राफ होता है, एक ऐसा ग्राफ जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल होता है, जो हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी होता है, उसको हम क्या बोल देंगे, बार ग्राफ। बाकी आप क्वेश्चंस में करोगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन करके वहाँ पे फिगर ड्रॉ करके बताएंगे आपको कि बार ग्राफ कैसा है और हिस्टोग्राम क्या है। उसके बाद हिस्टोग्राम भी क्या होता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। नेक्स्ट आता है हमारे पास पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल दे रखा है आपको और उस सर्कल में से ये निकालना, मान लिया ये ऐसे कितना भी हो सकता है, वो आपके पास किसी ने अपना जो था वो ऐसे वे किया, कितने परसेंट फूड में लगा दिया, इतना गेम में लगाया उसने, ठीक है, इतना उसने स्टडी में लगा दिया, इतना पैसा, कोई भी आदमी है जो पैसा खर्च कर रहा है, इतना फूड में लगा दिया, इतना गेमिंग में लगा दिया, इतना स्टडी में, ये उसने रेंट में लगा दिया, और ये उसने क्या कर ली, सेविंग।
तो इसको हमने किस पे ड्रॉ कर दिया, पाई चार्ट पे ड्रॉ कर दिया। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पाई चार्ट एक ऐसा वे है जो रिप्रेजेंट करता है डाटा को इन द सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल, एक सर्कल में जो सेक्टर है उसके वे में रिप्रेजेंट करता है आपका पाई चार्ट। अब सेंट्रल एंगल ऑफ इस वेक्टर, एक वेक्टर है, एक सेक्टर है, ये मान लिया आपके पास एक सेक्टर दे रखा है, इसका सेंट्रल एंगल आपसे पूछता है कि इसका सेंट्रल एंगल क्या है, और ये हमारे पास मान लिया 10% है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ कॉम्पोनेंट, वैल्यू ऑफ कॉम्पोनेंट हमारे पास कितना है, टोट 10 है हमारे पास, डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू, इसकी टोटल वैल्यू हमारे पास मान लिया ये 10 है, ये 30, ये 20 है, ये भी 10 है और ये 5 है, इन सभी को टोटल कर देंगे, 10 प्लस 10 20 प्लस 30 50 प्लस 70 प्लस 5 75 और मल्टीप्लाई 360, तो ये हमारे पास किसका आ जाएगा, फूड का सेंट्रल एंगल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें सेंट्रल एंगल निकालते हैं। ये तो आपको दिया होगा कि फिगर में की बजाय आपको वैसे दिया होगा कि फूड आपका 10 है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो कितने डिग्री का एंगल आएगा, वही एंगल बनाता है यहाँ की, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ये होता है आपके पास सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर। ये था आपका चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन।